हेलो नमस्ते, वेलकम टू सिंपली गीता। ये देखिए, ये है सिंघाड़ा, कच्चा सिंघाड़ा है, इस मौसम में खूब मिल रहा है। और ये है सिंघाड़े का छिलका, तो इससे मैं कुछ अलग सा बनाना दिखाऊंगी, वो सरप्राइज़ है। तो जब वो बनेगा तब मैं दिखाऊंगी क्या है, लेकिन इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा कि इससे क्या स्पेशल बनने वाला है। सिंघाड़ा तो सब लोग खाते हैं, कच्चा खाते हैं, बॉयल खाते हैं, जैसे आपका मन करे, लेकिन सिंघाड़े का छिलका, अरे वाह, ये तो कुछ नई चीज़ हो गई। तो आज आप लोगों को मिलेगी कुछ अच्छी सी चीज़ देखने को कि सिंघाड़े के छिलके का भी यूज़। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे ये बनेगी, इसकी नई चीज़, नई रेसिपी। देखिए, ये मैंने सिंघाड़ों को बॉईल कर लिया था, ये मैं और तो सब छील लिया है मैंने, वो दिखाना मैं भूल गई थी। पहले कुछ सब्जी बनाई थी कच्ची, वो मैंने दिखाया था उससे पहले, और उसके बाद जो और बचे हुए सिंघाड़े थे उसको बॉईल कर लिया। तो देखिए, इसको छील के उसका गुद्दा निकाल के रख रही हूँ, और ये इस तरीके से ये काट के, और ये निकल गया छिलका इसका, देखिए खाली हो गया, गूदा निकल गया। और इसको छोटा छोटा सा आप इसके पीसेस कर दीजिए। फिर ये हुआ, इसको आप निकाल लीजिए, बहुत आसानी से बॉईल कर दीजिए तो निकल जाता है। अब देखिए, वो छिलका तो सॉफ्ट था, अब इसमें देखिए, इसमें कांटे हैं इस वाले छिलके में, और ये शार्प है, इसको तो हम खाएंगे नहीं। तो इसको क्या करिए कि ये देखिए, इस तरीके से जब निकालेंगे तो ये कांटे जो हैं ये अलग हो जाएंगे, इसको अलग कर दीजिए। दो ही तरफ सिंघाड़े में कांटे होते हैं, ये बहुत आसानी से देखिए निकल जाएंगे ये। और उसके बाद अब ये जो बचा उसको निकाल के आप यूज़ करिए। ये देखिए, ये टाइट था, अक्सर लोग बॉयल वाला यही वाला पसंद करते हैं खाना। और ये इसको काट के यहाँ रख लीजिए। आप अगर सब्जी बना रहे हो, आपको कच्चा सिंघाड़ा चाहिए, कच्चा उसका गूदा चाहिए, तो इसके लिए क्या करें कि आप जो छिलका आप निकालेंगे, जो मैंने पहले दिखाया था वो पोर्शन वो वाला था, और ये पार्ट जो है ये पूरा हमने बॉईल कर लिया इस सिंघाड़े के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉईल करके ही बनेगा। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। इसको पूरा हम निकाल के और अलग रख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है छिलका जो है वो 1 किलो सिंघाड़े का है, और ये हल्का सा उबाला हुआ है, बहुत ज़्यादा उबाला हुआ नहीं है, ये हल्का सा उबाला हुआ है कि इसका कसैलापन निकल जाए। तो इतना जो छिलका जो मैंने यूज़ किया था वो 1 किलो सिंघाड़े का छिलका है। और उसके लिए जो मसाले हमें ज़रूरत है, देखिए ये लहसुन है, और ये है पीली सरसों, और ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च थोड़ी सी हम पीसेंगे और थोड़ी जो है उसमें काट के भी डालेंगे। और ये है आमचूर पाउडर, खटाई, ये है पीसी लाल मिर्च। पीसी लाल मिर्च की ज़रूरत इसलिए पड़े कि आजकल की जो मिर्चें होती हैं ना हरी वाली, वो बहुत तीखी नहीं है, तो पता नहीं मतलब चटपटा स्वाद आ पाएगा कि नहीं। और ये है कच्चा सरसों का तेल, ये लगभग है हम 4-5 चम्मच के लगभग, मैंने नापा नहीं है, ये 4-5 चम्मच के बराबर है। और ये है खाने वाला नमक, सादा नमक। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या बन रहा है। जी हाँ, ये बन रहा है सिंघाड़े के छिलके का अचार। तो अब ये जितनी सामग्री है, सरसों का तेल और नमक को छोड़ के, और ये पिसा हुआ है ऑलरेडी खटाई, इसको हम अलग कर देंगे। अब ये जो ये तीन चीज़ें जो हैं, पीली सरसों, लहसुन, कच्चा लहसुन, ये जो है जो कली वाला लहसुन होता है लहसुन, और ये हरी मिर्च, इसमें से थोड़ी हम निकाल लेंगे और थोड़ी हम पीस लेंगे। इसको दरदरा जो है हम अब पीस लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये यकीन मानिए, ये अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन ये होता बहुत स्वादिष्ट है। तो अब देखिए, ये जो तीनों सामग्री थी, तीनों चीज़ें थी, पीला सरसों, हरी मिर्च और लहसुन, इसको जो है अब हम मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। देखिए, इस तरीके का दरदरा पेस्ट जो है वो हमने बना लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये जो छिलके हैं सिंघाड़े का, जो बॉयल छिलका है, इसको जो है अब हम एक बर्तन में ऐसे डाल देंगे, किसी बड़े बर्तन में, जिससे हम आसानी से मिला सकें। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी, इसको भी डाल देते हैं। देखिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारतीय नारी जो होती है ना,
वो जो होती हैं सभी मसालों का अंदाज उनको बहुत अच्छे से रहता है, कितना ग्राम कितना क्या डालना है। ये हल्दी, खटाई पाउडर और ये जो है लाल मिर्च। वो लाल मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि मिर्च कितनी तीखी है, तो इसको थोड़ा सा डाल दीजिए और चटपटा ही हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये हमने मसाला पीसा है दरदरा करके, इसको डाल देंगे। अब इसमें देखिए हम डालेंगे हल्दी जो हम भूल गए थे, लेकिन कोई भी अचार जो है बिना हल्दी नमक तेल के तो पूरा होता नहीं है और खटाई के, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो वो भी अंदाज से हमें लग रहा है आधा चम्मच के लगभग हल्दी इसमें गई है। और इसके बाद वही भारतीय नारी का अंदाज, नमक अंदाज से इसको जो है अब हम थोड़ा सा मिक्स कर ले रहे हैं। इसको एक बार हम खूब अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए इसको हमने मिला लिया। अब इस पे जो है ये कच्चा सरसों का तेल, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और थोड़े दिन तक ये अचार चल जाता है। ये अचार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको बनाने में कि मैक्सिमम मतलब एक हफ्ता 1 वीक बस जाएगा, वो भी जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। लेकिन इसको 2-3 दिन अभी इसको धूप में रखना पड़ेगा। खूब अच्छे से धूप दिखा लीजिएगा जिससे कि सारे मसाले इसमें जो है अंदर तक थोड़े चले जाएँ और ये सॉफ्ट हो जाए और धूप में। खटाई, नमक, मिर्च जिसमें भी जाएगी वो चीज़ तो वैसे भी चटपटी होनी है, लेकिन थोड़ा आपको देख के लग रहा होगा कि अरे ये कैसा अचार सिंघाड़े के छिलके का, तो एक बार आप लोग थोड़ा सा बना के ज़रूर खाइएगा और देखिएगा इसका स्वाद जो है 2 दिन के बाद ही आपको अच्छा आएगा। तो ये हमारा बन गया सिंघाड़े के छिलके का चटपटा मज़ेदार अचार। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।